हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और जैसे आप जानते हैं कि अभी समर का मौसम आ चुका है यहाँ पे, तो सब लोग अपनी अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। समर में कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आज हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ से अभी हम सीधा निकलेंगे यूनिवर्सिटी, जैसे आपको पता ही है, और सीधा हम पहुँचेंगे ब्राइटन। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में, और अभी बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हम जा रहे हैं मेन पार्किंग की ओर। और भाई, क्या क्या प्लान किया है ब्राइटन के लिए? हाँ कुछ नहीं यार, जैसे ऐसे देखने जा रहे हैं नई नई चीजें। वही है, अभी तो वहाँ जाके देखेंगे ना भाई। वीडियो देखा है कि यहाँ पे ये करना है, हाँ, तो देखते हैं जितना जल्दी कर सकते हैं वो। तीन चार चीज़ें हमने देखी है वीडियो में, तो देखते हैं अभी वहाँ पे कैसा है और वेदर कैसा है। मेन तो वेदर का देखना है। हमने अपना रजिस्ट्रेशन और वो सब कंप्लीट कर लिया है, और ये देखिए कितनी भीड़ लगी रखी है। देखो, सब अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और कुछ कुछ लोगों को तो अभी अपने मेल भी नहीं मिल रहे हैं कि मेरे रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सा मेल आया था, तो वही सब अभी चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ब्राइटन में। आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे हमारी बस खड़ी है, और ये निर्मल भाई अभी कुछ परेड का सब्सक्रिप्शन का कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भाई को कॉफ़ी पीनी है, भूख लगी है भाई को। और अभी आज बहुत अच्छा वेदर है वैसे, हमने सोचा था भाई। कि ओ भाई बोलो। अरे तो बस तुम आ जाओ भाई पहले। तो आज अच्छा वेदर है वैसे, धूप धूप निकली हुई है, तो मजा आएगा आज थोड़ा बहुत घूमने करने में। आप जो सामने देख रहे हैं, ये है हमारा मेन बीच, यहीं पे जाना है हमें। बट पहले चलते हैं कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। और ये देखिए ऊपर घर और ये सब। सो अभी हम नाश्ता पानी ख़त्म करके रॉयल पेवेलियन स्टेट पे आए हैं, और यहाँ पे ये जो है, ये किंग जॉर्ज फोर जो थे उन्होंने ये कंप्लीट किया था। एंड ऑल्सो यहाँ पे पहले ये है ना, पूरा एक गार्डन था, और कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था किंग के बीच में और फार्मर्स के बीच में। बट एट द एंड फार्मर्स ने बोला कि चलो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं आपको ये सब देने के लिए। एंड देन फार्मर्स ने ये जो पूरी लैंड है वो किंग को सौंप दी थी। बट फार्मर्स यहाँ पे फिर भी कुछ स्पेशल स्पीसीज के जो फ्लावर्स होते हैं, वो सारे फ्लावर्स यहाँ पे उन लोगों ने लगाए थे।
ब्राइटन आर्ट म्यूज़ियम है यहाँ पे, मतलब अभी यहाँ पे आप पैसे दे के जाना पड़ता है इसके अंदर। सो अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे अंदर जाके एक्सप्लोर करूँ, वो कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट वैसे अच्छी बना रखी है इन लोगों ने। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है ये आर्ट गैलरी म्यूजियम में। सो पुरानी बुक्स और ये सब चीज़ें हैं जो आर्ट के हिसाब से, जो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं या फिर जिन लोगों को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है उनके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स एंड बुक्स नॉवेल्स, ये थोड़ी बहुत सोवेनियर्स भी हैं यहाँ पे। ये हम आ चुके हैं ब्राइटन के फेवरेट प्लेस, लाइक मोस्ट पॉपुलर प्लेस में। ये है ब्राइटन का पियर और देखिए आप, आज वेदर इतना खूबसूरत है ना कि लाइक बहुत मस्त है। ये हमारे निर्बल भाई देखो, ये जो पियर है इसमें मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आपको थोड़ा बहुत अंदर तक लेके जाएंगे, जहाँ पे अगर अपने द्वारका वाली पब्लिक को पता होगा थोड़ा बहुत आपको अंदर तक लेके जाते हैं, एंड देन आप मज़ा कर सकते हैं वहाँ पे, देख सकते हैं पूरा। ये देखिए एंड देन देखते हैं वहाँ पे व्यूज़ और वो सब कैसे हैं, थोड़े फोटोज़ वोटोज़ लेंगे। पानी एकदम देखिए अमेजिंग, ये छोटा बच्चा देखो, छोटा बच्चा पहन के मुझको ना समझाना रे। यहाँ पे देखिए ये घूम घुमा के ऊंधा सीता कर देते हैं सब लोग। ये अच्छा है, मतलब पियर के अंदर ऐसी सारी एक्टिविटीज रखी हुई है। सो इसमें क्या रहता है कि सब आराम से बच्चे लोगों के साथ आके आराम से यहाँ पे बस सब एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अपने लोगों को तो मेन व्यूज और वो उसका घुस गए हैं। और भाई पानी बहुत ठंडा है, मतलब हम जैसे वहाँ गंगा में और वैसे नहीं नहाते, इतना ठंडा पानी है। और निर्मल भाई कैसा मजा आ रहा है कि नहीं भाई? मेरे तो लगते मतलब इतना ठंडा पानी है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया और बहुत मजे करेंगे। पानी इस पानी में तुम नहाओगे, इस पानी में नहाओगे जैसे बर्फ से निकाला हो ना। तो दोस्तों ये था हमारा ब्राइटन का ट्रिप। मोस्टली अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बोल दूं कि मोस्टली लंदन और उसमें जब लोग रहते हैं ना, तो उन लोगों को दरिया किनारा आपको पता ही होगा कि लाइक बीच और ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो सब ऐसे वीकेंड्स में ये सब प्लान करते हैं कि चलो बीच और वहाँ पे हुआ है, तो ब्राइटन है ना वो लंदन से नज़दीक है। यही सब था ब्राइटन में देखने के लिए, बहुत मज़ा आया।
हमने बहुत एंजॉय किया बीच पे और सब में। दूसरी बार शायद हम प्लान करेंगे अच्छे से, लाइक यहाँ पे स्टे करें आराम से, यहाँ पे रुके एक आध रात और फिर निकले इस तरह से। बट यूनिवर्सिटी की ट्रिप में आए तो आपको पता ही है कि लाइक वन डे ट्रिप होती है, शाम को फिर वापस निकलना पड़ता है। तो ब्राइटन की ट्रिप में ऐसा ही सब था और हमने यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बट एट द एंड यहाँ पे मेन चीज़ तो बीच ही थी। जस्ट दो चीज़ रह गई हमारी, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे लिए। एक सेवन सिस्टर्स रह गया है एंड दूसरा हमें 360 वाला व्यूज़ वहाँ पे मिलता है वो वाला रह गया, क्योंकि उसमें हमें पे करना पड़ता था और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड था। या तो हम बीच पे जा सकते थे या फिर हम वहीं जा सकते थे। एट द एंड बहुत मज़ा आया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, सो क्या है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसे ही सब इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए यूके के मेरी चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।